हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लाउज बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। उसके लिए हमारी लेंथ है 14.5 इंच, हमारा तीरा है 12 इंच, और हमारी चेस्ट है 32 इंच, और हमारी कमर है 26 इंच। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। ड्राफ्टिंग पे मैं अखबार की ड्राफ्टिंग पे करना सिखा रही हूँ सिंपल वे में। पहले हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। हमारी ब्लाउज की लंबाई 14.5 इंच है। यहाँ से हम निशान लगाएंगे 14.5 पे। हाफ इंच ऊपर के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि ऊपर लेंथ ऊपर तीरे के में जो जॉइंट में जाएगा, इसलिए हम ऊपर लेंथ 15 इंच ले रहे हैं। इसको स्केल की सहायता से सीधा कर देंगे। इसको अब हम 1.5 इंच नीचे एक्स्ट्रा ले लेंगे, जो हमारा मोड़ने में जाएगा। हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अब हम इस पर तीरे का निशान लगाएंगे। हमारा तीरा है 12 इंच, तो हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे तीरे का। ये हमारा 6 इंच पे, यहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे बॉटम की 7 इंच, टेस्ट 4-1, इसके अकॉर्डिंग लेंगे लेंथ को सीधा करते। अब हम यहाँ पे चेस्ट की लंबाई लेंगे। चेस्ट का 4 करके +1, हमारी चेस्ट 32 इंच है। 32 का 4 हमारा 8 है। 8 में हमें 1+ कर देंगे, हमारा 9। 9 पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे। हमारी कमर है 26 इंच, 26 का 4 हिस्सा 6.5 इंच, 6.5 को हम +1 करेंगे, 7.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ये हो गया हमारा चेस्ट का 4+1। ये भी हमारा हो गया चेस्ट का 4+1। अब हम इन दोनों को मिलाएंगे। ये हमने इन दोनों को मिला दिया, हमारा कमर का निशान। अब हम डार्ट्स का निशान लगाएंगे। हमारी बीच की डार्ट्स लगेगी जो है, वो है चेस्ट का 4+0.5 इंच। जो हम कंधे से नीचे डार्ट्स लेंगे, उसकी लंबाई हमारी है चेस्ट का 4+0.5 इंच। हमारी 8 इंच है, तो हम 8.5 इंच पे इसकी लेंथ लेंगे। यहाँ से हम उसकी चौड़ाई गैप लेंगे 3 इंच पे। ये हम 3 इंच पे गैप लेंगे मिड पॉइंट से। यहाँ से हम इसकी दूरी 1 इंच पे करेंगे। यहाँ से हम इसकी 1.5 इंच पे 2 डार्ट्स लगाएंगे, एक यहाँ पे और एक डार्ट हमारी यहाँ पे आएगी। यहाँ वाली डार्ट की हम लेंथ लेंगे, चेस्ट का 6.5 हिस्सा लेंगे। यहाँ पे जो डार्ट लगेगी वो चेस्ट का 6.5 हिस्सा होगा। हमारी 32 इंच है, तो 5.5 इंच आएगी हमारी। 5.5 इंच पे हम इसको यहाँ से मिला देंगे। ये हम यहाँ पे हमारा पॉइंट होगा, ये इसका यहाँ पे होगा, और ये हमारी चेस्ट का 6 हो गई, और यहाँ पे हमारी आएगी चेस्ट का 12। यहाँ पे चेस्ट का 12 हमारा 36 का 2.5 इंच हो जाएगा। ये हमारी चेस्ट का 12। अब हम बॉडी की गलाई के लिए, ये हमारी पीछे की हम बॉडी की कटिंग करेंगे। ये इस तरह से हमारी पीछे की कटिंग हो जाएगी, और ये हम आगे की, ये हमारी फ्रंट पार्ट की है, ये हमारी बैक हो गई, बैक की कटिंग हो गई है। बैल पे जो होगी वो हम 1.5 इंच का दबाव डालेंगे। 1.5 इंच का दबाव डाल के हम इसके साथ मिला देंगे इसको। इस तरह से हमारी बैल डलेगी। जो हमारी बेल्ट लगेगी वो उसकी हम लेंथ लेंगे यहाँ से 3.5 इंच पे। नीचे से हम लेंगे, जहाँ से हमारी पूरी लेंथ है ना, उसके अकॉर्डिंग जो हमने एक्स्ट्रा रखा है ना मोड़ने के लिए, उसको छोड़ देंगे। जो हमारा लेंथ की पूरी लेंथ है ना, उसको लेके फिर हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। हमारी लेंथ 3.5 इंच होगी, मतलब कि आप यहाँ से तो 5 इंच लेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा 1.5 इंच लिया था 3.5 में, और 1.5 इंच वो 5 इंच हो गया, और यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे। सिंगल तो हम 1.5 इंच लेंगे, जो हमारा मोड़ने में भी आ गया था वो हम पूरा लेंगे 3 इंच का। यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे, यहाँ से हम 3.5 इंच लेंगे, क्योंकि ये लेंथ हमारी ऐसे जाएगी टेढ़ी। यहाँ से गैप कम होगा बेल्ट का हमारी का, और यहाँ से हमारा गैप ज़्यादा होगा। इसको स्केल की मदद से इस तरह से हम मिला देंगे।
और कई तो आपको मैं बताती हूँ, कई तो इसको सीधा ही कट करते हैं। अगर आपको अपने ब्लाउज में शेप अच्छी चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ से 0.15 सेंटीमीटर का उठा के गोलाई में कट करिएगा, जिससे आपके ब्लाउज की शेप बहुत सुंदर आएगी। ओके, इस तरह से हमारी ब्लाउज की कटिंग है। इधर से हम फिटिंग के लिए, कटिंग के लिए एक्स्ट्रा 1.5 इंच ले लेंगे। ये हमारा कटिंग का आ जाएगा, ये हमारा फिटिंग का आ जाएगा। ठीक है, इसी से हम हमारे गले की कटिंग करेंगे। हमारे गले की कटिंग हम 2.5 इंच पर लेंगे। 2.5 इंच की हम चौड़ाई करेंगे और 6.5 इंच की हम लंबाई कर देंगे इसकी। ये हमने 6.5 इंच की लंबाई कर दी। इसको हम ऐसे मिला देंगे, इसको गोलाई में कट कर देंगे इस तरह से। और अगर आपका तीरा गिर रहा है तो आप इसको, ये तीरे को थोड़ा सा हल्का सा 0.5 इंच से थोड़ा सा कम डन कर दीजिए यहाँ से। अगर ज़्यादा डीप नेक है तो आप थोड़ा ज़्यादा 0.5 इंच कर दीजिए। अगर कम डीप नेक है तो आप यहाँ से इस तीरे को डाउन कर दीजिए, इससे आपकी फिटिंग अच्छी आएगी। अब हम इसको कटिंग करके बताते हैं। देखो गाइस, ये मैं इसको नहीं कटिंग कर रही हूँ, ये मैं नीचे का वो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर रही हूँ। ये कटिंग का निशान करता ये देखो गाइस, इसको हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये हमारी गोलाई में हम इसको इस तरह से कटिंग करेंगे, ये हमारी गोलाई में। इसको फिर हम, ये जो हमारी वो प्लेट से डलेगी वो ऊपर वाले में ही डलेगी, सिर्फ इस तरह से, हमारे नीचे वाले में नहीं डलेगी इस बेल्ट में। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा फिर वो उसको हम कट कर देंगे इधर से। ये हमारी सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे, जो अगर जो बाहर एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो बाहर निकल जाएगा इस तरह से, ये हमारा बाहर निकल जाएगा। और इसी तरह से सभी में प्लेट से डलेगी, एक ही प्लेट के अंदर लगेगी, एक के अंदर लगेगी। ये हमारी बैक की कटिंग हैंगिंग बोर्ड है की, इसको हम, ये हमारा फ्रंट है तो हम फ्रंट की कर लेंगे और ये रख के ही बैक की कटिंग कर देंगे इस तरह से। ये हमारी बेल्ट हो गई है, ये हमारा ब्लाउज कटिंग हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नई नई वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नई वीडियो के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।